आज मैं ये क्लास 4 का 7th वीडियो बना रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी। सेकंड लेसन तक मैंने पढ़ाया था, आज मैं ये आप लोगों को थर्ड लेसन पढ़ा रही हूँ। यूनिट 3, द कोयला बियर। यहाँ पर आप लोगों को एक एनिमल्स के बारे में बताया है, उसकी पूरी डिटेल्स दी है, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। लेसन का नाम है आपका द कोयला बियर। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको रीड करते हैं, क्या बताया उसके बाद। द कोयला बियर इज एक्चुअली नॉट अ बियर एट ऑल। फिर से रीड कर रही हूँ। द कोयला बियर इज एक्चुअली नॉट अ बियर एट ऑल। इट गॉट इट्स नेम बिकॉज इट लुक्स लाइक टेडी बियर। द कोयला एक्चुअली बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मर्सुपियल्स। क्या शब्द है ये? मर्सुपियल्स। क्या स्पेलिंग है? MARSUPIALS, मर्सुपियल्स। मर्सुपियल्स वेयर फर्स्ट फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका, लेटर दे रीच साउथ अमेरिका एंड स्टिल लेटर रीच ऑस्ट्रेलिया। देयर आर अबाउट 140 काइंड्स ऑफ मर्सुपियल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सम ऑफ देम लाइक द कोयला, द वॉर्म एंड द कंगारू हैव पाउचेस। अब बेटा यहाँ पर एक एनिमल के बारे में बताया, जिसका नाम बताया उसने कोयला बियर। नाम तो इसका कोयला बियर है, लेकिन ये एक प्रकार का बियर नहीं है। द कोयला बियर इज एक्चुअली नॉट अ बियर। बियर का मतलब होता है भालू। ये एक प्रकार का, इसका नाम तो कोयला बियर है, लेकिन ये एक प्रकार का बियर नहीं है। इट गॉट्स इट्स नेम बिकॉज इट लुक्स लाइक टेडी बियर। वो इसलिए इसका ऐसा नाम है क्योंकि किसके जैसा दिखता है? टेडी बियर। टेडी बियर आप लोग देखे ना, बच्चों का जो एक खिलौना होता है तो उसके जैसा दिखता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोयला बियर। द कोयला एक्चुअली बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मर्सुपियल्स। मर्सुपियल्स का मतलब, जैसे आप लोगों ने कंगारू का पिक्चर देखा होगा, मर्सुपियल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो अपने बॉडी के अंदर, जिनके यानी एब्डोमेन के पोर्शन में एक पाउच होता है, जिसमें वो अपने बच्चों को रखती है जब तक कि वो पूरे यानी सशक्त नहीं हो जाते, चलने फिरने के लायक नहीं हो जाते, तो वो तब तक वो अपने बच्चों को बॉडी के अंदर रखती है, पाउच में रखती है। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा? मर्सुपियल्स। क्या बोलते हैं उसको? मर्सुपियल्स। यहाँ इसका मीनिंग दिया है, एनिमल्स दैट ऑफन कैरी बेबीज इन पाउचेस टिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्स। ऐसे एनिमल्स जो अपने बेबीज को पाउचेस में रखते हैं, अपनी बॉडी के पाउचेस में रखते हैं, जब तक कि वो अपनी देखभाल खुद ना कर पाए तब तक कि वो अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं बेटा? मर्सुपियल्स। मर्सुपियल्स वेयर फर्स्ट फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो मर्सुपियल्स एनिमल्स है, इनको सबसे पहले कहाँ देखा गया है? नॉर्थ अमेरिका में देखा गया है। लेटर दे रीच साउथ अमेरिका एंड स्टिल लेटर रीच ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद उसको साउथ अमेरिका में, और अब उसको कहाँ देखा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। देयर आर अबाउट 140 काइंड ऑफ मर्सुपियल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। अब तक के 140 प्रकार के मर्सुपियल्स एनिमल्स देखे गए हैं, और वो जनरली कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सम ऑफ देम लाइक द कोयला, द वम्बर्ट एंड द कंगारू हैव पाउचेस। जैसे कोयले में पाउचेस होते हैं, उसी प्रकार से वम्बर्ट जो एनिमल होता है या कंगारू होता है, उनमें भी क्या होता है, बॉडी में क्या पाए जाते हैं? पाउचेस पाए जाते हैं। क्लियर? ये पैराग्राफ आपको समझ में आया? फिर से मैं इसको रीड कर दूँ एक बार। चलिए मैं रीड कर रही हूँ। लेसन 3, यूनिट 3, द कोयला बियर। द कोयला बियर इज एक्चुअली नॉट अ बियर एट ऑल। इट गॉट इट्स नेम बिकॉज इट लुक्स लाइक टेडी बियर। द कोयला एक्चुअली बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मर्सुपियल्स। मर्सुपियल वेयर फर्स्ट फाउंड ओनली इन नॉर्थ अमेरिका, लेटर दे रीच साउथ अमेरिका एंड स्टिल लेटर रीच ऑस्ट्रेलिया। देर आर अबाउट 140 काइंड्स ऑफ मर्सुपियल्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। सम ऑफ देम लाइक द कोयला, द वम्बर्ट एंड द कंगारू हैव पाउचेस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसका मीनिंग मैंने आपको समझाया। अब हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोयलाज लिव इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेयर देयर आर मेनी यूकेलिप्टस ट्रीज। कौन सा है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ट्रीज। दे लव टू ईट द लीव्स ऑफ द ट्रीज। दे हार्डली एवर लीव द ट्रीज। इन फैक्ट दे मे बी सीन डोजिंग ऑन अ यूकेलिप्टस ट्री almost the whole day. Koalas sleep for almost 18 hours a day. Then when do they eat? Well, when they are not asleep, they eat. This happens especially at night.
Each koala eat about a kilo of eucalyptus leaves a day. They even store these leaves in pouches in their cheeks. Eucalyptus leaves are very tough and often poisonous, but the koala digest them quite easily. They eat so many of these leaves that they begin to smell like the oil content in these leaves. अब यहाँ पर कोयले के बारे में बता रहा है कि कैसा होता है, क्या खाता है. कोयला लिव्स इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वेयर देयर आर मेनी यूकेलिप्टस ट्रीज. कोयला कहाँ पर पाया जाता है? ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जहाँ पर क्या पाया जाता है? यूकेलिप्टस के ट्रीज पाए जाते हैं. बहुत सारी मात्रा में क्या पाए जाते हैं? यूकेलिप्टस के ट्रीज पाए जाते हैं. दे लव टू ईट द लिव्स ऑफ द ट्रीज. वो क्या करते हैं, इस ट्रीज की क्या खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं. दे हार्डली एवर लीव द ट्रीज. वो हमेशा यानी वो अने वहीं पर रहते हैं, वो उस ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं. इन फैक्ट दे मे बी सीन डोजिंग ऑन अ यूकेलिप्टस ट्रीज ऑलमोस्ट द होल डे. वो दिन भर कहाँ पर रहते हैं, वो यूकेलिप्टस ट्री के ऊपर ही रहते हैं. कोयलास स्लीप फॉर ऑलमोस्ट 18 आवर्स अ डे. वो दिन भर में 18 घंटे सोते हैं, वो दिन भर में 24 घंटों में 18 घंटे सोते हैं. देन वैन डू दे ईट? वेल वैन दे आर नॉट स्लीप दे ईट. और जब वो जगते हैं तो सिर्फ वो क्या करते हैं, उन यूकेलिप्टस की पत्तियों को खाते हैं. दिस हैपन्स यूकेलिप्टस एट नाइट. ईच कोयला ईट्स अबाउट अ किलो ऑफ यूकेलिप्टस लीव्स अ डे. और अब ये बताया जा रहा है कि वो एक दिन में 1 किलो के ऊपर की यूकेलिप्टस की लीव्स को क्या कर लेते बेटा, खा लेते हैं. दे इवन स्टोर दिस लीव्स इन अ पाउचेस इन देयर चिक्स. और वो थोड़ा सा स्टोर भी करते हैं अपने पाउचेस में, क्योंकि उस पाउचेस में क्या होता है, उनके चिक्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए वो अपने पाउचेस में यूकेलिप्टस ट्रीज को क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं. देन इवन स्टोर दिस लीव्स इन पाउचेस इन देयर चिक्स. यूकेलिप्टस लीव्स आर वेरी टफ एंड ऑफन पॉइजनस. बहुत कड़क होती है, टफ होती है मतलब बहुत कड़क होती है, कई बार वो पॉइजनस भी होती है. बट द कोयला डाइजेस्ट देम क्वाइट इजिली. फिर भी जो कोयला होते हैं उसको इजिली डाइजेस्ट कर जाते हैं, यानी उसको पचा जाते हैं. दे ईट सो मेनी ऑफ दिस लीव्स दैट दे बिगिन टू स्मेल लाइक द ऑयल कॉन्टेंट इन देयर लीव्स. और ये बता रहा है कि इतनी ज़्यादा लोग यूकेलिप्टस की लीफ खा लेते हैं कि वो जब तक है वो तब तक ही पचा लेते हैं, इतना उसको खाते कि उनमें से वो जो यूकेलिप्टस की स्मेल आती है, जो ऑयल की स्मेल आती है उनमें से आने लगती है, उन पत्तियों से आने लगती है. इतने बार उसको चबा चबा के वो क्या करते बेटा, पचाते हैं. यहाँ तक सबको समझ में आया सेकेंड पैराग्राफ. अगला पैराग्राफ है कोयलास हार्डली ड्रिंक एनी वाटर. दे गेट ऑल द वाटर दे नीड फ्रॉम द लीव्स दे ईट. However, when it is very hot, especially during heat waves, they do search for water to drink. There is a story of koala that drank from a firefighter's water bottle. As each year seems to get hotter in Australia, there are more stories of koalas wanting water from human beings. अभी बता रहा है क्योंकि वो पूरे समय या तो सोते हैं या वो यूकेलिप्टस ट्री पर रहते हैं, और जब भी जगते हैं तो क्या खाते बेटा, यूकेलिप्टस की पत्तियां खाते हैं. अब ये बता रहा है कि कोयलास हार्डली ड्रिंक एनी वाटर. वो कोई भी ऐसा पानी नहीं पीते हैं. दे गेट ऑल द वाटर्स दे नीड फ्रॉम द लीव्स ऑफ दे ईट. वो जो पानी है वो यूकेलिप्टस के ट्री में जो पानी होता है उसी से वो अपना उसको पानी, उसको उनको प्यास नहीं लगती, उसी से वो अपना भरण पोषण करते हैं. However, when it is very hot, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, especially during heat waves, they do search for water to drink. और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब उनको पानी की आवश्यकता होती है तो पानी को ढूंढते. There is a story of koala that drank from a firefighter water bottle. अब जब उनको पानी की आवश्यकता होती है तो पानी ढूंढते, तब वहाँ पर बहुत सारी इसकी स्टोरीज है कि उन्होंने फायर फाइटर की वाटर बॉटल को उठाया है. As each year seems to get hotter in Australia, there are more stories of koalas wanting water from human beings. ऐसा यानी वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ऐसी कई सारी स्टोरीज बनती है, कई सारी ऐसे स्टोरीज का पता चलता है कि कोयला ने जो ह्यूमन बींग से उनसे पानी मांगा या किसी की बॉटल उठा करके ले गया. इस प्रकार की कई सारी स्टोरीज जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब पता चलती है. क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? द कोयला बेबी इज कॉल्ड जोई. द कोयला बेबी इज कॉल्ड जोई. वैन इट इज बॉर्न इट इज हेयरलेस एंड ईयरलेस. इट इज ऑल्सो ब्लाइंड. ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज केरीज बाई इट्स मदर इन हर पाउच फॉर अबाउट 6 मंथ.
Its ears, eyes and fur begin to grow while it remains close to its mother's body. At this time, Ajoy only drinks milk. When it finally comes out, it rides on its mother's back or cling on to her belly. It goes everywhere with her for almost a year. Then it comes out and begins to explore the area where its mother lives. It then starts eating eucalyptus leaves. अब यहाँ पर कोयले के जो बेबीज होते हैं उनको बोलते हैं, बेबीज के बारे में बताया जिसको क्या कहा जाता है, जोई कहा जाता है, या क्या कहता है, कोयले के बेबी को क्या कहा जाता है, जोई कहा जाता है. When it is born, जब वो पैदा होते हैं, it is hairless, तो उनके शरीर पर बाल नहीं होते, earless, उनके कान नहीं होते, it is also blind, बल्कि उनकी आंखें भी बंद होती है. During this time, it is carried by the mothers in her pouch. उस समय जो उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके पाउच में ही रहते हैं. फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक उनके बच्चे उनके पाउच में ही रहते. इट्स ईयर्स आइज एंड फर बिगिन टू ग्रो, जब तक उनके आँख कान और जो उनके फर है वो क्या होते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं. रिमेन टू क्लोज हिज मदर, और तब तक वो अपनी मदर की बॉडी में रहते हैं. एट दिस टाइम अजॉय ओनली ड्रिंक्स मिल्क, उस समय तक जब तक वो अपने मदर के पाउच में रहते तब तक वो अपनी मदर का दूध पीते हैं. When it finally comes out, it rides on its mother back. जब वो बाहर आते हैं तो अपनी मम्मी के पीठ पर, बैक मतलब उनकी पीठ पर इधर से उधर होते रहते, टू हर बेली. इट गोज एवरीवेयर विथ हर फ्रॉम ऑलमोस्ट ईयर, और साल भर तक वो अपनी माँ के पीठ से इधर से उधर, माँ के पीठ पर रहते हैं और इधर से उधर होते हैं. देन इट कम्स आउट एंड बिगिन टू एक्सप्लोर द एरिया वेयर इट्स मदर लाई, और उसके बाद जहाँ उनकी मदर जाती है वहाँ तक, वहाँ पर वो इधर से उधर जाते हैं. इट देन स्टार्ट्स ईटिंग यूकेलिप्टस ट्री, और साल भर तक ये समय लगता है, और उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, यूकेलिप्टस की पत्तियाँ खाने लगते हैं. अर्लियर हंटर यूज टू किल कोयलास, टेक ऑफ देयर फर्स एंड सेंड इट यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट. द पॉपुलेशन ऑफ कोयलास हैज डिक्रीज एज सिटीज ग्रो, द यूकेलिप्टस ट्रीज आर कट डाउन, फॉरेस्ट डिसअपियर and in their place grown towns and cities. In this way, the home of koalas is taken over by human beings. Koalas are often attacked by dogs. Sometimes they are killed in traffic accident. Every year they are less koalas. अब koalas की जो species है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है. क्यों खत्म होते जा रही है? Earlier hunter used to kill. जो शुरुआती दिनों में थे, बहुत पहले के दिनों में जो हंटर होते, जो शिकारी होते हैं, उनको मारते हैं. क्यों मारते हैं? टेक ऑफ देयर फर, उनके फर के लिए. एंड सेंट इट यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट, और उसको कहाँ भेजते हैं? यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में भेजते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ कोयलास हैज डिक्रीज, और इससे उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनकी वो है, वो क्या होते जा रही है? कम होते जा रही है. एज सिटीज ग्रोस द यूकेलिप्टस ट्रीज आर कट डाउन, फॉरेस्ट डिसअपियर एंड देयर प्लेस ग्रोन टाउन्स एंड सिटीज. और धीरे धीरे सिटी ग्रो कर रही है, यूकेलिप्टस के ट्रीज कटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट नष्ट होते जा रहे हैं, और वहाँ पर बड़े बड़े टाउन और सिटीज बनते जा रही है. इन दिस वे द होम ऑफ कोयलास इज टेकन ओवर बाय ह्यूमन बींग्स, और जो उनके होम है, जो यूकेलिप्टस के ट्रीज जो उनके होम होते थे, वो कौन ले रहे हैं? ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं. कोयलास आर ऑफन अटैक बाय डॉग्स. कई बार कोयला पर कौन अटैक कर देते हैं? डॉग्स अटैक कर देते हैं. समटाइम्स दे आर किल इन ट्रैफिक एक्सीडेंट, और कई बार वो क्या होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी मारे जाते हैं. एवरी ईयर देयर आर लेस कोयलास, और धीरे धीरे जो कोयलास की जो जाति है, कोयला जो प्रजाति के जो जानवर है, एनिमल्स, वो क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं. कम होते जा रहे हैं. द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज नाउ पुट कोयलास ऑन द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड एनिमल. एंडेंजर्ड कौन सा शब्द है ये? एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड का मतलब ये होता है बेटा, ऐसी स्पीसीज जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, धीरे धीरे खत्म होते जा रही है. तो ऐसी स्पीसीज को क्या कहा जाता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज. या तो द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज नाउ पुट कोयलास ऑन दिस लिस्ट. अब उनको जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, इनको एंडेंजर्ड एनिमल्स में ले लिया गया है. कोयलास आर लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट. अब चूंकि इनकी स्पीसीज खत्म होते जा रही है, एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए इनकी केयर कौन कर रहा है? जो गवर्नमेंट है वो कर रही है. दे कैन नॉट बी हंटेड फॉर देयर फर. अब उनको उनके फर के लिए नहीं मारा जा रहा है. दे कैन नॉट बी केप्ट एज पेट्स, उनको पालतू जानवरों के रूप में नहीं रखा जा रहा है. देयर होम्स आर नॉट बी डिस्टर्ब, और उनके घरों को नष्ट नहीं किया जा रहा है.
We too can protect endangered animals. We must spread the message that it is human beings who are destroying the homes of animals. We must let animals live peacefully in their natural habitats. People who listen to us feel know that animals have been put out onto this earth for a reason. As we make sure that we are comfortable, we should also make sure that animals are allowed to live in their homes. Let us protect all God's creatures as we protect ourselves. अब यहाँ पर बताया बेटा कि we too can protect endangered and हमको भी इन endangered इसमें की animals की क्या करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए. We must spread the message that it is human beings who are destroying the homes of animals. हमको भी ये message फैलाना चाहिए कि हमको इनके इन animals के घर को नष्ट नहीं करना है. We must let animals live peacefully in their natural habit. Natural habit का मतलब कि वो जहाँ रहना चाहते हैं, जैसे वो जंगलों में, नीलगिरी के जंगलों में पेड़ों पर रहना चाहते हैं, उनको पीसफुली शांति से उनको वहाँ पर रहने दिया जाए. People who listen to us will know that animals have been put on to this earth for a reason. उनको भी यहाँ पर अर्थ पर पैदा किया गया है, अर्थ पर वो जिस प्रकार से हम उत्पन्न हुए उसी प्रकार से. पीपल हु लिसन टू अस विल नो दैट एनिमल्स हैव बीन पुट ऑन टू दिस अर्थ फॉर अ रीजन. एस वी मेक श्योर दैट वी आर कंफर्टेबल, वी शुड आल्सो मेक श्योर दैट एनिमल्स आर अलाउड टू लिव इन देयर होम्स. जिस प्रकार से हम अपने घरों में कंफर्टेबल रह रहे हैं, उसी प्रकार से ये जो एनिमल्स हैं उनको भी उनके नेचुरल हैबिट में, उनके घरों में उनको कंफर्टेबल रहने दिया जाए. Let us protect all God's creatures as we protect ourselves. इस प्रकार से हमको ये जो भगवान के द्वारा बनाए गए जो एनिमल्स है, जो गॉड ने बनाए जो क्रिएचर्स है, उनको भी हमको उनकी रक्षा करनी है. मतलब आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया गया है कि हमको भी किसी भी जानवरों को मारना नहीं है, हमको उनकी सुरक्षा करना है, हमको उनके जो होम्स है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स है, उसको नष्ट नहीं करना है, और उनको शांतिपूर्वक, जैसे हम अपने घरों में शांतिपूर्वक रहते हैं, उसी प्रकार से उनको भी अपने घरों में रहने देना है. ठीक है, तो यहाँ पर ये कोयला बियर के बारे में आपको बताया है, उसकी जाति के बारे में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. ये एक प्रकार का बियर नहीं है ये, बल्कि ये क्या है, मर्सुपियल्स है. मर्सुपियल्स का मतलब मैंने ये बताया कि ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में पाउचेस होते हैं, जो अपने बच्चों को पाउचेस में रखते हैं, जब तक वो बाहर की दुनिया के लायक नहीं हो जाते तब तक वो उनको पाउचेस में रखते हैं, और फिर धीरे धीरे बढ़ो करके वो बाहर की दुनिया में आते हैं. तो ये आपका लेसन था, ये लेसन यहाँ पर कम्प्लीट हुआ. आज इतना ही, इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर, आप लोग इस लेसन को पढ़िएगा, इस लेसन को समझिएगा, इसमें के जो कठिन वर्ड्स हैं इसको कॉपी में लिख लिख करके याद करिएगा, बार बार उसको प्रोनाउंस करिएगा, तो आप लोगों से बनेगा. क्लियर, तो चलिए आज हम लोग यहीं पर ये वीडियो को समाप्त करते हैं. अगले वीडियोज़ में इसके एक्सरसाइज कराऊंगी. धन्यवाद.